होनी तो होनी है, कोई नहीं टाल सकता, और ये अनहोनी है, भयानक अनहोनी। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार हो जो मैं बताऊं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। कोई तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है। MX Player पर रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी है जो काशीपुर वाले बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। उनके भक्त जो कुछ भी करते हैं वो बाबा निराला उन्हें करने के लिए कहता है क्योंकि वो उस पर अंधा विश्वास करते हैं। हालांकि बाबा निराला के काले कारनामों से सभी अनजान होते हैं। वेल दोस्तों, क्राइम ड्रामा वेब सीरीज आश्रम के दूसरे सीजन को दर्शकों द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फैंस अब इस सीरीज के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित और निर्मित इस वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ कई बेहतरीन किरदार नजर आए हैं, लेकिन इनसाइड सोर्सेस से खबरें सामने आई हैं कि अब सीजन 3 में एक्ट्रेस प्रीति सूद का किरदार काफी दमदार होने वाला है। वेल, दोनों सीजन में उनके रोल को काफी पसंद किया गया है। एक्ट्रेस ने अब अगले सीजन के प्लॉट को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीरीज में सनोबर का किरदार एक साइलेंट किलर का होने वाला है। वो कम शब्दों में अपनी बहुत भावनाओं को व्यक्त करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने भी आश्रम सीरीज के दोनों सीजन देखे हैं तो अब आपको तीसरे सीजन में सनोबर की कहानी के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। आखिर सनोबर इतनी साइलेंट क्यों रहती है, इसके पीछे का राज क्या है? वेल, आश्रम की कहानी काशीपुर वाले बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो पूरे कारनामों में लगा हुआ है। इसके अलावा इस सीरीज में दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयंका, त्रिधा चौधरी, अदिति पोहनकर और अध्ययन सुमन भी है। वेल, आश्रम सीरीज 2 की स्टोरी खत्म हुई थी पम्मी के आश्रम से भाग जाने से, हुकुम सिंह के चुनाव जीत जाने से और सत्य की मौत से। और अब कहानी शुरू भी यहीं से होगी जहां सत्य की मौत से बबीता टूट जाएगी, क्योंकि जिस पति की जिंदगी के लिए उसने बाबा से समझौता किया था अब वो बाबा निराला और भोपा से अपने पति की मौत का बदला भी लेगी। तो वहीं पम्मी और अक्की आश्रम से बहुत दूर चले जाएंगे जहां उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, जिसके बाद अक्की पम्मी को इंस्पेक्टर उजागर सिंह और साधु से मिलवाएगा, साथ ही पम्मी को सहारा देगी डॉक्टर नताशा। तो वहीं अब ये सब मिलकर बाबा निराला के आश्रम की उलझी हुई गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे जहां से इस कहानी में नया मोड़ आएगा। बबीता बाबा निराला से उसके पति की मौत का भी बदला लेने की कोशिश करेगी, तो वहीं ईश्वर और सनोबर का राज भी इंस्पेक्टर उजागर सिंह और साधु के सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि एक्स सीएम सुंदरलाल भी बाबा की पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि उजागर और साधु के बनाए हुए फाइल सुंदरलाल के हाथ लग जाती है, जिसका फायदा सुंदरलाल बाबा के पोल खोलने के लिए करता हुआ नजर आएगा और बाबा को डराता हुआ भी नजर आएगा। इसके अलावा बाबा की पत्नी खुद सबके सामने आकर बाबा निराला का असली सच सबको बताएगी कि बाबा निराला ढोंगी है, उसका असली नाम काशीपुर वाले बाबा निराला नहीं बल्कि मोंटी है। साथ ही बाबा भोपा और साध्वी माता की भी सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी। लेकिन कहानी में इस बार आपको प्रकाश झा कई सारे ट्विस्ट और सस्पेंस भी दिखाने वाले हैं, जिस वजह से कहानी कई बार आपको उलझती हुई नजर आएगी तो कई बार बिल्कुल सुलझती हुई। वेल, आपको बता दें कि सीरीज का सीजन 3 भी लगभग 2-3 महीने बाद ही रिलीज किया जाएगा। खबर है कि फरवरी 2021 में फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर दोनों ही रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म की स्टार कास्ट वही रहेगी, कुछ एक नए कलाकार जोड़े जाएंगे लेकिन उनके नाम अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको आश्रम से दोनों ही सीजन कैसे लगे और क्या आप भी सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।